धरती पर मजीठा नाग देवता मंदिर, बीबीपुर दुर्गा माता मंदिर की पावन धरती पर यहां मसौली में आज पहली बार कोई बड़ा नेता हमारे बीच में ऐसी जनसभा, विशाल जनसभा को संबोधित करने हमारे बीच में आया है और आपके भाई आपके बेटे के लिए वोट मांगने आया है, तो हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जैतपुर की पावन धरती पर। हमारे बीच में पूर्व सांसद और हमारे सबके चहेते नेता डॉक्टर पीएल पुनिया साहब मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन साहब हैं, हमारे बीच में राजेंद्र वर्मा जी, नगर अध्यक्ष दीपक सिंह जी, सरजू शर्मा जी, महबूब रहमान किदवई साहब, पुत्तूलाल वर्मा जी, महेंद्रपाल वर्मा जी, जलालुद्दीन गुड्डू जी, अखिलेश वर्मा जी, रामानुज यादव जी, केसी श्रीवास्तव जी, रामहरक भाई, शबनम वारिस जी, सिकंदर अब्बास भाई, राजवीर भाई, राजेंद्र प्रसाद जी, सोहेल चाचा, इरफान कुरैशी साहब, सिद्दीक पहलवान, कपिल देव वर्मा जी, वीरेंद्र वर्मा जी, विनोद चंद्राकर जी विधायक हमारे बीच में, राजकुमार पटेल जी, चित्रा वर्मा जी भी हमारे बीच में आ चुकी हैं, जो दरियाबाद 270 विधानसभा से प्रत्याशी हैं। हमारे बीच में अफाक अली साहब भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप सबका उत्साह देख करके ऐसा लग रहा है कि इस बार इस सीट पे जीत तय है। हमारे युवा भाई सबसे ज्यादा सब उत्साहित हैं आज। महिलाओं के बीच में भी बहुत उत्साह दिख रहा है आज। देखिए बस थोड़ा सा शांत हो जाइए। आज मैं आज सबके बीच में एक ऐसी महिला आई है, एक ऐसी हमारी नेता आई है जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में इतना संघर्ष किया है कि आज भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग थर थर कांपते हैं। जहां पे आप चली जाती, जिस जिले में आप चली जाती, लोग डरते हैं कि हमारे जिले में अगर प्रियंका गांधी जी अगर आ गई तो माहौल वहां का पलट जाएगा। ऐसा क्यों हम लोग आपसे वोट मांग रहे हैं, क्यों लोग डर रहे हैं माननीय प्रियंका गांधी जी से? किस हक से आपसे हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग वोट मांगने आ रहे हैं? कोई ना कोई आधार होगा हमारा। दूसरे लोग जाति धर्म के नाम पे मांगते हैं, बिरादरी के नाम पे मांगते हैं, दूसरे लोग बड़े बड़े नेताओं के चेहरे के नाम पे मांगते हैं, लेकिन माननीय प्रियंका गांधी जी अपने काम के नाम पे, अपने संघर्ष के नाम पे, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने जितने लोगों की बात सुनी, उनकी मदद करी है, उसके नाम पे आपके बीच में वोट की गुहार लगाती है। किस आधार पे हम आपसे वोट मांगते हैं? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि भैया काम तो बहुत अच्छी कर रही है आपकी पार्टी, हर जगह जा रही है, किसानों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। क्यों वोट नहीं दोगे आप? हम किस हक से मांग रहे हैं आपसे वोट? अगर लखीमपुर में नरसंहार होता है, किसान के परिवार को मारा जाता है, किसानों के परिवारों को मारा जाता है, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनके बीच में न्याय दिलाने के लिए हमारी प्रियंका गांधी जी वहां जाती हैं, और कोई नहीं जाता है दोस्तों। इस अधिकार से हम आपसे, किसानों से वोट मांगते हैं। ललितपुर में जब खाद की लाइन में खड़े लोग मर जाते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, उनसे मिलने जाती है प्रियंका गांधी जी, सांत्वना देती है, उनके लिए संघर्ष करती है। इस अधिकार से हम किसानों के पास वोट मांगने जाते हैं। युवा हमारे भाइयों को पुलिस के लॉकअप में मार डाला जाता है, उनसे मिलने जाती है, उनके दुख दर्द में शामिल होती है। इस अधिकार से हम आपसे वोट मांगने जाते हैं। जब हाथरस की बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसको मार डाला जाता है, शासन प्रशासन लग जाता है अपराधियों को बचाने में, सबूत मिटाने में, तो रोडों पे अगर किसी ने संघर्ष किया है, पुलिस से झड़प की है, धक्के खाए हैं, धूल खाई है, तो और कोई नहीं, हमारी प्रियंका गांधी जी, हमारी दीदी मौजूद।
तो अगर इतने सारे काम करने के बावजूद अगर हमारा अधिकार आपसे नहीं बनता है, अगर आपका आपके लिए हमारा हक नहीं बनता है वोट मांगने का, तो किसी का नहीं बनता है इस देश में। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कितने सालों से जुड़ा हूं, अब 5 साल हो गए, 2-2 बार विधायकी के चुनाव में आपके बीच में आ चुका हूं, हार गया, आपका पूरा आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन फिर भी इतना स्नेह इतना प्यार मिला कि सम्मानजनक हार हुई। सम्मान मिला आपकी तरफ से, सम्मान में कोई कमी नहीं आई, इसीलिए लगातार 5 सालों से आपके बीच में हर सुख दुख में शामिल होता रहा हूं, हर कार्यक्रम में आपके शामिल होता रहा हूं, आपके लिए संघर्ष किया है मैंने। और अगर कोई इसको झूठा बतला दे तो मैं उससे आज वोट नहीं मांगता, सिर्फ उन्हीं से मांगता हूं जिनके पास मैं गया। हर गांव की हर खाक मैंने छानी है, हर घर में मैंने दस्तक दिया है, और इस अधिकार से मैं आपसे आज वोट मांग रहा हूं। मैं अपनी मेहनत और अपने काम के आधार पर, डॉक्टर पीएल पुनिया जी के काम के आधार पर आपसे वोट मांग रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के काम के आधार पर आपसे वोट मांग रहा हूं। आपने बहुत सालों से धर्म जात बिरादरी के नाम पे वोट दिया है, लेकिन एक बार 2009 में आपने काम के आधार पर, मेहनत के आधार पर वोट दिया था। 2009 में क्या हुआ था? किसानों का कर्जा माफ किया था कांग्रेस पार्टी ने, मनरेगा लेकर के आई थी, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, तमाम ऐसे बड़े बड़े काम किए थे कांग्रेस पार्टी ने, उस काम के आधार पर आपने वोट दिया था। और डॉक्टर पीएल पुनिया जी की मेहनत के आधार पर, राहुल गांधी जी की मेहनत के आधार पर आपने वोट दिया था, और उसके बदले में आपको एक काम करने वाला शिक्षित योग्य व्यक्ति आपका लोकसभा सांसद बन के आपके बीच में आया। और बाकी सब लोगों ने आपको बताया, यहां पे काफी देर से आपसे चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने आपके बीच में आप काम किया है, देवामाला ओवर ब्रिज बना है, 5-5 इंटर कॉलेज बने हैं, बरैया इंटर बरैया चौराहे पे आईटीआई पॉलिटेक्निक खुला है, 4200 गांव में बिजली आई है। ये सारे काम सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में आपके बीच में करके दिखाए हैं, तो डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने करके दिखाए। पोस्ते की खेती 15 साल से हमारे जिले में बंद थी, पोस्ते की खेती शुरू करवाने का काम किया है डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने। 40-50% यादव बिरादरी आज हमारे साथ जुड़ चुकी। लोग कहते थे मुझसे कि तुम पासी नहीं हो, तुम्हें पासी का वोट नहीं मिलेगा, लेकिन आज मेरे युवा भाई यहाँ लाल गमछा पहने, द ग्रेट पासी सेना मिशन के जितने लोग हैं यहाँ, हजारों की संख्या में जो यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सारे इस बात के गवाह हैं कि मेहनत से कोई भी बिरादरी, जात धर्म बिरादरी के हम बंधन को तोड़ सकते हैं मेहनत से, संघर्ष से। कुर्मी बिरादरी के कितने लोग हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं, मुस्लिम कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, चौहान मौजूद है आज हमारे बीच में, हर कोई बिरादरी आज यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे पूरी आशा है आज भीड़ को देख करके, इस संख्या को देख करके, आपके प्यार को देख करके और आशीर्वाद को देख करके, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैतपुर विधानसभा से आप सब लोग अपने रिश्तेदार और परिवारों के साथ मिलकर के 4th नंबर पे जो हाथ के पंजे वाला बटन है, उस बटन को दबा करके और माननीय प्रियंका गांधी जी के झोली में ये जैतपुर विधानसभा की सीट का जरूर डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने इतना प्यार दिखाया, इतना आशीर्वाद दिखाया और इतनी अच्छी संख्या में निकल करके आए। विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें जो यहाँ मौजूद है, मेरे ख्याल से बाग में भी अंदर तक सब महिलाएं बैठी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय कांग्रेस। अच्छा, इधर भी महिलाएं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप निकल करके आई हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय प्रियंका गांधी। धन्यवाद तनुज भैया। साथियों, मैं महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सपना मुहारी जी से चाहूंगा कि प्रियंका जी को सूत की माला भेंट करके उनका स्वागत करें, आज लोग जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। बड़ी संख्या में नौजवान यहां पर आए हैं, 18 साल के वोटर को मतदाता बनाने का काम हमारे नेता राजीव गांधी जी ने किया था, और आज एक बार फिर प्रियंका जी ने
साथियों, प्रियंका जी का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, प्रियंका जी का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। उठो जवानों, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। उठो जवानों, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। कौन चल रहा आज प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। फिर देखो ये सत्ता कितनी पागल है, बौराई है। प्रियंका जी का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। मैं आमंत्रित करता हूँ कर्मयोगी सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी को कि हमें और बाराबंकी की सरजमी पर प्रियंका जी का स्वागत करें। आदल आप लोग जोरदार तालियां बजा के कर्मयोगी सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी का स्वागत करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं प्रदेश की प्रभारी परम आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी का देवा महादेवा की धरती के ऊपर स्वागत किया जाता है और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रफी अहमद केदवई साहब की जन्मभूमि मसौली में आपका स्वागत है। इसके साथ ही मंच पर मौजूद मोहसिन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहसिन राजेंद्र वर्मा जी, दीपक सिंह जी, सरजू शर्मा जी जो संचालन कर रहे हैं, महबूब रहमान किदवई साहब, पत्तूलाल वर्मा जी, महेंद्रपाल वर्मा जी, जलाउद्दीन गुड्डू जी, अखिलेश वर्मा जी, रामानुज यादव जी, केसी श्रीवास्तव जी, रामरख रावत जी, बहन श्रीमती सबनम वारिस जी, विजयपाल गौतम जी, सिकंदर अब्बास रिजवी साहब, राजवीर वर्मा जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सैयद सुहेल भाई, इरफान कुरैशी जी, सिद्दीक पहलवान साहब, कपिल देव वर्मा जी, वीरेंद्र यादव जी, विनोद चंद्राकर जी, राजकुमार पटेल जी, श्रीमती चित्रा वर्मा जी, प्रत्याशी दरियाबाद विधानसभा 270, आफाक अली साहब, इनका भी विशेष रूप से स्वागत है। और इसके साथ न्याय पंचायत प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता जो इस जन सभा में मौजूद हैं, उनका भी विशेष रूप से स्वागत है। इस जनसभा में आपका आगमन एक ऐतिहासिक घटना है। मसौली में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आगमन 25 अक्टूबर 1954 में हुआ था और लगभग 68 साल के बाद गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य का आज मसौली में आगमन हुआ है। आपकी सक्रियता से कांग्रेस पार्टी को विशेष मजबूती मिली है। जहां जहां भी दलित, आदिवासी, महिला, वंचित वर्ग के पर अत्याचार व उत्पीड़न की घटना होती है तो सबसे पहले वहां पर पहुंचने का काम किया जाता है। चाहे सोनभद्र का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो या उन्नाव के मामले हों, ये पाएगा कि सरकार न्याय देने के बजाय अपराधियों को ही संरक्षण दे रही है और उल्टा पीड़ित पक्ष को बदनाम कर दोषी ठहराने का काम कर रही है। लेकिन आपकी दमदार उपस्थिति एवं सक्रियता के कारण पीड़ित परिवारों को न्याय मिला और भाजपा सरकार का असली चेहरा सामने आ सका। पिछले 33 साल से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं, बारी बारी से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और सभी ने जनता को विशेष रूप से लूटा है। प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकारें हैं, लोग बेहद नाराज हैं। विकास के नाम की कोई चीज नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, लाइन ऑर्डर पूरी तरह से जीरो है। और समाजवादी पार्टी का तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं, जब भी वो आती है तो गुंडागर्दी उसके साथ में चरम सीमा पर पहुंच जाती है, भाई भतीजा समाज होने लगता है। और भारतीय बहुजन समाज पार्टी तो आजकल कहीं दिखाई देती नहीं। जैतपुर में कांग्रेस पार्टी और तनुज पुनिया नंबर एक पर हैं। बराबर मेहनत करने की अभी भी आवश्यकता है, 3-4 दिन की काम है। लगातार ये भी बताने की जरूरत है, योग्य, समझदार, मिलनसार,
और पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुने जो आपके काम आ सके, तनुज पुनिया ही एकमात्र विकल्प है। आप लोगों से निवेदन है कि आज बदलाव की जरूरत है, भाजपा को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, कांग्रेस के साथ सबको एकजुट होने की जरूरत है, जैतपुर में तनुज पुनिया की जरूरत है। और इसी के साथ बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। अब इसके बाद हम सीधे प्रियंका दीदी को आमंत्रित करते हैं कि आवें और आपके बीच में अपनी बात कहें। आप लोग जोरदार तालियां बजा के प्रियंका दीदी का स्वागत करें। बहनों और भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री पीएल पुनिया जी, हमारे प्रत्याशी श्री तनुज पुनिया जी, श्रीमती चित्रा वर्मा जी, मोहम्मद मोहसिन जी, महेंद्र पाल वर्मा जी, श्री पुट्टूलाल वर्मा जी, श्री जलालुद्दीन जी, श्री अखिलेश वर्मा जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेतागण जो मंच पे उपस्थित हैं और जो आपके साथ यहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत स्वागत। मेरी बहनों, आपको बहुत बहुत स्वागत। भाइयों, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आज देवा महादेवा की जमीन पर खड़े होकर बहुत गर्व हो रहा है। यहाँ से आजादी की लड़ाई श्री रफी अहमद के दवाई जी ने भी लड़ी। इस धरती को मेरा नमन। देखिए, चुनाव आ गया है। अब ये आपकी एक महान धरती है, एक महान प्रदेश है। आपकी विधानसभा, आपके क्षेत्र ने यहां से बड़े बड़े नेता दिए, रफी अहमद किदवाई जी जैसे, जो आजादी के लिए लड़े, जिन्होंने देश को अपना जीवन समर्पित किया। आपका प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, बहुत महान प्रदेश है। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान है पूरे देश में। सबसे ज्यादा नौजवानों की ऊर्जा यही है। यहाँ की धरती उपजाऊ है, यहाँ पे खेती अच्छी तरह से हो सकती है। यहाँ पे शिक्षित नौजवान जिनकी के काम करने की योग्यता है, जिनको अगर सक्षम किया जाए तो देश में खूब वो भागीदारी दे सकते हैं, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ की संस्कृति मजबूत है। हमेशा यहाँ की संस्कृति ने, यहाँ की राजनीति ने देश को दिशा दिखाई। काबिलियत बहुत है। तो आज उत्तर प्रदेश में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ये परिस्थितियां क्यों हैं कि जनता गरीब से और भी गरीब हो रही है? इस बात को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मेरी बहनें बैठी हैं, काफी समय से इंतजार कर रही हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या आज क्या है, बताओ? महंगाई, महंगाई है। कड़वा तेल आपको कितने का मिलता है? 200 रुपए का। पेट्रोल डीजल की क्या दाम है आज? आपको एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिला? चलिए, आपको मिला ही नहीं। अगर आप खरीदने जाएंगे तो कितने का मिलेगा? भर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आज दुकानों में जाए तो कुछ भी खरीदने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, सही बात है? आप खेती में मेहनत कर रही हैं। कल रात को मैं अमेठी में थी, मैं एक गांव में चली गई, सलोन जिले में, सलोन विधानसभा में एक गांव है। रात हो रही थी, 8-9 बजे थे, मैं गांव के अंदर चली गई। जैसे मैं अंदर जा रही थी, मैंने देखा कि एक महिला
खेतों की तरफ एक अपने नाती को ले जाके चल रही थी। तो मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहा खेतों में जा रही हूँ। मैंने कहा इस समय? कहा हाँ। छुट्टा जानवर है दीदी, चौकीदारी करने जा रहे हैं हम, सही? आप इतने नौजवान खड़े हैं, पिछले 5 सालों में किसको रोजगार मिला है सरकार से? कोई हाथ उठाए? नहीं मिला? एक तो होगा, कोई एक तो होगा, नहीं है? तो देखिए ये स्थिति है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहे हैं, छुट्टा जानवर आपके खेत खाया जा रहा है, किसानों की क्या समस्याएं हैं? किसान भाई खूब सारे होंगे यहाँ, आपको अपने उपज का दाम नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिलती, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं आप। पेट्रोल डीजल के दाम से सबसे ज्यादा मुसीबत किसको होती है? किसानों को होती है। ये पूरे बाजार का इलाका है, इसमें छोटे दुकानदार छोटे व्यापारी होंगे, इनके साथ क्या हुआ? पहले नोटबंदी हुई, फिर GST लगाई गई, फिर कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तमाम बिजनेस छोटे कारोबार बंद होने के कगार पे हो गए। कोई राहत मिली सरकार से? यहाँ पे मेरे बुनकर भाई बहन हैं, आपको याद होगा कांग्रेस के जमाने में एक स्पेशल पैकेज आया था, आज है? आपके लिए सरकार ने कोई पैकेज बनाया? नहीं बनाया। तो प्रदेश की असलियत आपके सामने है, मैं खुद नहीं कह रही हूं, आपसे पूछा आपने जवाब दिया, आप जान रहे हैं कि परिस्थितियां क्या हैं, सब कुछ देख रहे हैं। सुबह मेरी बहनें उठती हैं, खेतों में काम करती हैं, घर आती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, जानवरों का देखभाल करती हैं, घर की सफाई करती हैं, फिर खेतों में सुबह सुबह जाना पड़ता है छुट्टे जानवर से रखवाली करने के लिए। कितनी मेहनत करेंगी? क्या कोई राहत, कोई समर्थन नहीं मिलेगा सरकार से? मेरे नौजवान यहाँ भाई खड़े हैं, आप भर्ती की परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कट ऑफ चेंज हो जाता है परीक्षा के बाद, 3-3, 4-4 साल आप नियुक्ति के लिए इंतजार करते हैं, वहां पता चला कि 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं 5 साल से, कोई आपकी सुनवाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो कोई सुनवाई नहीं है, परेशानियों और मुसीबतों से जिंदगी भरी हुई है। तो राजनीति का मकसद क्या होता है? ये जो नेता सब बैठे हैं मंच पे आपके सामने, इनको नेता क्यों बनाया जाता है? राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म, राजनीति में जो नेता होता है उसका सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? आपकी सेवा करना, यही होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? कि सत्ता आपके हाथों में होनी चाहिए, और यहां जो सत्ता में आता है वो आपको दबाता है, आपके भ्रष्टाचार का सामना आप करते हैं, महंगाई का सामना आप करते हैं, बेरोजगारी का सामना आप कर रहे हैं, किसान अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, बुनकर अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, श्रमिक अपनी समस्या का सामना खुद कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सहायता नहीं है, उल्टा जब आप आवाज उठाते हैं तो आपको दबाया जाता है, दमन किया जाता है, तो ये लोकतंत्र भी नहीं है। तो कैसी राजनीति चल रही है प्रदेश में? मैं आपको समझाती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जितने भी राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में आपके सामने हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो आपसे वोट धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर मांगेंगे, ठीक है? क्यों? क्यों? इसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि उन्होंने काम नहीं किया। जब आपकी समस्याएं होती हैं तो ना सरकार उनको सुलझाने का काम करती है, और ना बसपा के नेता, समाजवादी के नेता आपके पास आते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं। महिलाओं पर अत्याचार हुआ,
उन्नाव में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, क्या अखिलेश यादव जी बाहर आए? क्या गए वहां पे, संघर्ष किया, आंदोलन किया कि न्याय मिलना चाहिए? नहीं। आपने परीक्षाएं दी नौजवानों ने, आपने जब आंदोलन किया इलाहाबाद में और अन्य शहरों में, आपको मारा पीटा गया, तमाम धाराएं आपके खिलाफ लगाई गई, करियर बर्बाद हो गए बहुत बच्चों के, क्या समाजवादी दल के नेता या बसपा के नेता अपने घर घर से बाहर आए? कोरोना हुआ, लॉकडाउन में तमाम जो प्रवासी श्रमिक थे, मजदूर थे, जो दिल्ली गए हुए थे काम करने के लिए, जो नौकरियां वहां करते हैं, उनको भाजपा की सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। क्या समाजवादी दलों के नेताओं ने, क्या उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके पदाधिकारियों ने आपकी मदद की? नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने वापस आने का इंतजाम किया, यहां तक कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मदद करके पाप किया। वो कह रहे हैं हमने मदद की, आपको घर पहुंचाया, जहां जहां आप पैदल आ रहे थे वहां लंगर लगाए, कोरोना आया दवाइयां बंटवाई, ऑक्सीजन का इंतजाम कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन समाजवादी दल बसपा के नेता दिखे ही नहीं, उनके पदाधिकारी उनके कार्यकर्ता सब घर में दुबके हुए थे। CANRC में क्या हुआ? दुबके रहे अपने घर में, बाहर नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए 3 सालों से संघर्ष किया, अब ये पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? ये विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि आपके हित में काम नहीं करना चाहती। वो जानती हैं कि चुनाव के समय जब धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगेंगी, आप दे दोगे आंख मूंद कर, आपने बुरी आदत डाल दी। भाजपा भी वही चीज जानती है, भाजपा की सरकार है, आज कुछ भी कर सकती थी, 5 सालों से सरकार है, 12 लाख रोजगार के पद खाली रखे हैं, आज कह रहे हैं कि हमने 4 लाख पद के एप्लीकेशन खुलवाए और रोजगार देंगे, भाई 5 साल से क्यों नहीं किया? आज हवाई अड्डों के शिलान्यास हो रहे हैं, 5 सालों से क्यों नहीं किए? अब तक तो हवाई अड्डे तैयार हो जाते। आज कह रहे कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अचानक महिलाएं याद आ गई इनको, कह रहे कि महिलाओं के लिए हम सारी योजनाएं बनाएंगे, महिलाओं को हम पैसे भेजेंगे खाते में, महिलाओं के लिए हम मुफ्त ये देंगे मुफ्त वो देंगे। आज क्योंकि चुनाव आया है, 5 सालों से सरकार थी, भैया कहां थे आप, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तो जब कुछ किया ही नहीं है और ना कुछ करने का इरादा है, तब स्पष्ट है कि आप आकर धर्म की बात करोगे, जाति की बात करोगे, लोगों के जज्बातों को उभारोगे और उस समय वोट ले लोगे उनसे चुनाव के समय। अब ये बहुत बुरी आदत हो गई है, सालों से चल रही है उत्तर प्रदेश में। पहले आपने जाति के आधार पर बसपा को जिताया था, फिर आपने जाति और धर्म के आधार पर समाजवादी को जिताया, फिर आपने भाजपा को जिताया धर्म के आधार पर। आपको क्या मिला, क्या मिला मैं जानना चाहती हूं? रोजगार मिले, महंगाई कम हुई, किसानों को कोई सुविधा मिली, कोरोना आया सेहत की सुविधाएं मिली, आप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, किस लिए? किस लिए? कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने एक बुरा राशन दिलवा दिया, भाजपा ने खाते खुलवा दिए, उसमें थोड़े बहुत पैसे भिजवा दिए। वाह 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 वाह, 5 सालों में इतना काम कर लिया कि एक बोरे राशन पर आपने पूरे पब्लिक को निर्भर बना दिया, आपने गरीब रखा है लोगों को जानबूझ के। आपको रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, आपको रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप बेरोजगार रहोगे। आप नौजवान हो, आप में ऊर्जा है, आप में गुस्सा चढ़ेगा, आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, इसलिए आपको फुसलाना आसान हो जाएगा। इसीलिए जब आपके सामने धर्म की बात होगी और जाति की बात होगी, तो आपके आपके जो जज्बात है उनके आधार पर आप वोट दे दोगे।
आप पढ़ोगे लिखोगे सशक्त बनोगे कमाओगे घर पे अपनी कमाई लाओगे माँ बाप का देखभाल करोगे परिवार का देखभाल करोगे तो कौन आपको फुसलाएगा जी। आप उनसे पूछोगे विकास कहाँ है क्या किया है तुमने हमारे लिए, वो जानते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। जानबूझ के जनता को गरीब रखा जा रहा है, जानबूझ के इस देश की जितनी भी संपत्ति है जितनी भी वो संस्थाएं हैं जिससे रोजगार पैदा होते थे BHEL HAL NTPC रेलवेज नाम लीजिए, जानबूझ के उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। आज दो ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो पूरी मीडिया को चलाते हैं जो पूरी सरकार को चलाते हैं जिनके पैसों से सरकार चल रही है और पूरी देश की संपत्ति उनको बेची जा रही है। रोजगार कहां से आएंगे? दुकानदारों को छोटे बिजनेस वालों को तो आपने खत्म कर दिया, जो ये छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट होते हैं छोटे बिजनेस वाले होते हैं यही तो रोजगार दिलवाते हैं। किसानी में कितना रोजगार है आपने तो उनको भी खत्म कर दिया किसानों को, आपकी पद खाली पड़े आप वो भी नहीं दे रहे हैं। तो जहां से रोजगार आना था उसको तो तुम उस साधन को तो आपने बंद ही कर दिया, वो तो सारा बिक रहा है आपके दोस्तों को, तो रोजगार कहां से दोगे? तो मंच पे खड़े होकर ये कहने का क्या मतलब है कि हम 25 लाख 70 लाख रोजगार दिलवाएंगे? झूठ है, नहीं दिलवाया, 5 सालों से नहीं दिलवाया। तो स्थिति यह है कि किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है, जानबूझ के आपको गरीब रखा जा रहा है। और समझ लीजिए ये तीनों पार्टियां एक बिसात पर खेल रही हैं, तीनों पार्टियां आपके जज्बातों का इस्तेमाल कर रही हैं। इनसे कोई विकास नहीं आने वाला है, इनसे आपके जीवन नहीं सुधरेंगे, इनसे सिर्फ और सिर्फ इनके नेताओं के जीवन सुधरेंगे, इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के जीवन सुधरेंगे और इन्हीं का विकास होगा। वरना उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां से तमाम स्वतंत्रता सेनानी आए बड़े बड़े नेता आए तमाम देश के प्रधानमंत्री यहां से उभरे, यहां की राजनीति इतनी मजबूत थी, यहां का विकास सबसे पहले होना चाहिए था। ये प्रदेश इस देश को दिशा दिखाने वाला प्रदेश है और आज गरीबी से भरा हुआ है। आज परिस्थिति यह है कि किसी के घर में जाओ कहता है कि मेरी तरक्की हुई नहीं, 5 सालों से 10 सालों से 15 सालों से बस यही राजनीति चल रही है, तो कैसे बदलाव आएगा? अगर आप आंखें नहीं खोलेंगे, अगर आप हर चुनाव में आंखें मूंद कर अपने धर्म के आधार पर अपनी जाति के आधार पर वोट देते रहेंगे तो आपका प्रदेश ऐसा का ऐसा रहेगा, आपको इस खाई में से कोई नहीं निकाल पाएगा जिसके अंदर आपको जानबूझ के डाला गया है ताकि ये लोग फूले फले आगे बढ़ें, आप गरीब रहें, आप असुरक्षित रहें, आप सशक्त नहीं हो। क्योंकि जब तक आप गरीब रहेंगे, जब तक आप असुरक्षित रहेंगे, जब तक आपके लिए कोई ऐसे साधन और संसाधन नहीं बनाए जाएंगे जिससे आप आगे बढ़ पाए, तब तक आप इस धर्म और जाति की जाल में फंसे रहेंगे। ये सच्चाई है इस प्रदेश की। आज कांग्रेस पार्टी कुछ घोषणाएं कर रही है, खोखली घोषणाएं नहीं है ये, और मैं आपको समझाती हूं 2 मिनट में क्या है। आप छुट्टे जानवर की समस्या है, छुट्टे जानवर की समस्या सालों से चल रही है, मेरे सामने तो 3 सालों से चल रही है, जब से पिछला चुनाव था तब से मैं चीख रही हूं चिल्ला रही हूं हर मंच से कह रही हूं कि बहुत बड़ी समस्या है, इसको हल करना है। मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी है इसके बारे में। आज देश के प्रधानमंत्री सर्वज्ञानी अंतर्यामी जिनको हर चीज की संज्ञान होती है, आज वो आपके सामने खड़े होकर कहते हैं कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड सब जगह ये सबसे छत्तीसगढ़ ये सबसे गोबर खरीदेंगे आपसे, गोबर का हम गोबर गैस बनाएंगे, गोबर गैस से आपकी सुविधा होगी, गोबर का हम स्वयं सहायता समूह को देकर खाद बनवाकर स्वयं सहायता समूह से वो गोबर की बनी हुई खाद खरीदेंगे। आप छुट्टे जानवर को घर पे रखिए देखभाल करिए आपकी भी कमाई होगी,
समस्या खत्म, समस्या खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भी यही योजना लागू करेंगे, आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए थे, हम दोबारा माफ करेंगे, पूरे कर्ज माफ होंगे आपके। मेरे दुकानदार भाई जो बाजार में दुकानें खोले हुए हैं, जो कोरोना के समय लॉकडाउन के समय भी बड़ी बड़ी बिजली बिल भरने की कोशिश कर रहे थे कर्ज लिए, जो आपका कोरोना का बकाया है बिजली बिल का, वो हम साफ करेंगे। बिजली बिल सबकी आधी हो जाएगी। आज की जो समस्या है कि बड़ी बड़ी बिलें आ रही हैं, आप दे नहीं पा रहे हो, वो खत्म हो जाएगी। हम नौजवानों के लिए भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे, एक जॉब कैलेंडर होगा, उसमें भर्ती के लिए परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन और नियुक्ति का दिन एक 6 महीने के अंदर अंदर कैलेंडर में होगा। कोई इससे खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम कानून लाएंगे कि उस पर हम कार्रवाई लिख कर पाए। इसी तरह से मेरी बहनें, आज आप अस्पताल में जाती हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलते हैं, हम आपके लिए हर अस्पताल में महिला डॉक्टर, महिला नर्स ब्लॉक के स्तर पर रखना चाहते हैं। आपके लिए मोबाइल फोन मुफ्त मिलेगा जो छात्राएं हैं, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएं। जो छात्राएं स्कूल से आगे इंटर पढ़ना चाहें, उनके लिए स्कूटी। आपको आज एक सिलेंडर मुफ्त में देकर कह रहे हैं ना कि एहसान कर रहे हैं आप पे, हम कह रहे हैं 3 ले लीजिए, लेकिन आप सशक्त बनिए। 40% रोजगार, सरकारी रोजगार महिलाओं के लिए हम देंगे। 25% पुलिस में भर्तियां महिलाओं की होंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर आप पर अत्याचार होगा और 10 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज नहीं होगा अपराधी के खिलाफ, तो जो अधिकारी उसको रोक रहा है उसका सस्पेंशन का कानून लाएंगे। आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। इस देश की आजादी के लिए खून पसीना कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और इस देश के किसानों ने की। इस आजादी को बचाने के लिए कांग्रेस खड़ी रहेगी और काम करेगी। और इस आजादी का मतलब क्या था? इस आजादी का मतलब था कि इस देश का एक एक निवासी, इस देश की एक एक महिला, इस देश का एक एक नौजवान, इस देश का एक एक किसान सशक्त बने और अपने पैरों पर खड़ा हो। यही होती है आजादी। जब तक आप सशक्त नहीं होगे, तब तक आप आजाद नहीं होगे। और बाकी सारी पार्टियां आपकी आजादी नहीं चाहते, वो आपकी गुलामी चाहते हैं, और आपकी गुलामी धर्म और जाति के आधार पर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप गुलाम रहें, ताकि वो आपके जज्बातों का इस्तेमाल करके अपनी सरकार बना पाए और आपकी सत्ता आपके हाथों से छीन पाए। सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए। आप एक ऐसी पार्टी को चुनिए जो आपके लिए समर्पित हो, जो आपके विकास का काम करे। बुनकरों के लिए पिछले सरकारों में एक पैकेज होता था, हम कह रहे हैं कि आपके लिए स्पेशल पैकेज लाएंगे और बिजली की फ्लैट रेट होगी। हम सबके लिए सिर्फ विकास चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप सशक्त बनो, क्योंकि हमारी पार्टी आजादी के लिए लड़ी। हम चाहते हैं कि आप आजाद हो इस तरह की राजनीति से, जो आपके जज्बातों का इस्तेमाल करे, धर्म का इस्तेमाल करे। नेता का धर्म एक है, सेवा। मुसलमान धर्म में वो लिखा है, हिंदू धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, सिख धर्म में है, ईसाई धर्म में है, किसी भी धर्म को देख लो, सब धर्म कहेंगे नेता का सबसे बड़ा धर्म है जनता की सेवा करना। जो नेता धर्म का इस्तेमाल करता है अपनी सत्ता के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, वो पाप करता है, वो धार्मिक नहीं होता है। उसे पहचानिए, पहचानिए अच्छी तरह से, और इस चुनाव में अपने भविष्य के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, उनके भविष्य के लिए आप एक सरकार ऐसी चुनो जो दिन रात आपके लिए काम करे। आपको पीड़ा हो, आपके पास आए उसके नेता। आपको दुख हो, उस दुख को सुलझाने की कोशिश करें।
आपकी समस्या हो उस समस्या को सुलझाने की योजना बनाएं, आपके क्षेत्र में विकास नहीं है आपका विकास करने का पूरा प्रयास करें, यही है सही राजनीति। और मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि इस सही राजनीति, इस सच्चाई पर आधारित राजनीति, इस नई राजनीति को आप समर्थन दें और आप अपने विधानसभा से शुरू करें। आपके पास एक नौजवान प्रत्याशी हैं, आपके लिए समर्पित हैं, इनको आगे बढ़ाकर अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खूब ध्यान से मेरी बातें सुने। बहनों ये बातें याद रखना, जब वोट डालने जाओगे इन बातों को याद रखना, किसी की बातों में गुमराह नहीं होना है, अपने भविष्य के लिए वोट डालना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद प्रियंका दीदी। अब मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से चाहूंगा कि हमें मोहम्मद मोहसिन साहब धन्यवाद ज्ञापित करें। मोहम्मद मोहसिन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज देवा महादेवा की इस पावन धरती पर, रफी अहमद किदवाई साहब की सरजमी पर, मैं अपनी दीदी, अपनी नेता जिनको भी आप सुन रहे थे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का बहुत आभार जताता हूं कि वो इस चुनावी सभा में आई और आप सब ने बहुत गौर से उनको सुना। आप सबका शुक्रिया। पिछले एक घंटे से मैं बोल रहा था, अदा कर चुका हूं। अब अगर आप लोगों की तरफ से एक वादा मैं कर लूं दीदी से, तो वादा आप पूरा करोगे? तो दीदी वादा वो ये है कि जादू अब नहीं किसी के चलने वाले, जादू अब नहीं किसी के चलने वाले, हम हवाओं के रुख को बदलने वाले हैं। इंसाफ, सच और अमन के परचम में आए बहन, हम तेरे साथ चलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।